भाई राजेंद्र राठौड़ साहब के लिए कहता है कि मेरी टिकट कटा दी। अरे जिस परिवार ने 40 साल जनता का खून चूसा और वो कह रहा है कि मेरी टिकट कटा दी। भारतीय जनता पार्टी ने 13 बार संबल दिया है, 5 बार विधायक का दिया है, मैंने 2 बार विधायक जीता हूँ, राजस्थान सरकार में मंत्री रहा हूँ और मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज तक आपके साथ रहा हूँ। आपकी 6 विधानसभा, नोर भादरा की 2 विधानसभा, कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे नोर भादरा में, जिसके मन में गलत फहमी है। एक बार घोर विपत्ति आने वाली बने, सबसे पहले की मति भ्रष्ट होवे तो कांग्रेस की मति भ्रष्ट होगी, अरे क्या मैंने जा रहा है बाकी भी मसागनों का मति भ्रष्ट होगी। सरदार सर हमेशा MP के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है, मैं बिल्कुल आपको यह विश्वास दिलाता हूँ उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे, क्योंकि जो राम जी को लाए उन्हीं को हमें विजय बनाना है। इस कांग्रेस को जिंदा रखा राजगढ़ में तो मैंने और मेरे परिवार ने जिंदा रखा। वो भाला कांग्रेस के हर अस्त्र और शस्त्र को भेजता हुआ लोकसभा से पार जा करके गिरेगा। विशेषकर मैं मेरी कौम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरे को अगर जिंदा देखना चाहते हो और मेरे को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई उस खानदान से हुई जिसने किसी एक सिटिंग विधायक की हत्या की। कोई भाई को सर्टिफिकेट बने डे के किसान को कि यो ही किसान को वो और यो ही जाट है ते देवेंद्र ने जात बार कर दियो के। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ये उनका नरेंद्र का देवेंद्र है। फेर आसी रे मोदी फेर आसी। आज ही मंच पर मेरा बेटो प्राक्रम बैठे हो गठे, मैं बिगड़ सर पर हाथ रख के कह सकूं बोला जिद मेरो रिश्तो करे होने, जिद मन तो या बताई जाटा का रिश्तो करन लाग रहे आप, तो मन या बता झाझड़िया जाट हो वहीं को नहीं। तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स हमाशामा गांधी चौक से जाएगा यहाँ पर आयोजित हो रही है। दरअसल चूरू से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया आज अपना नामांकन चूरू में दाखिल कर रहे हैं लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा की ओर से, और एक विशाल नामांकन रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन जो है नेता लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ यहाँ का कार्यक्रम रहता है और क्या कुछ यहाँ पर जो नेता पहुँचते हैं वो कहते हैं। और यह है सभा स्थली का दृश्य जहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नामांकन रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन यहां चूरू में कर रही है, और चूरू के जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा मेरे साथ में। क्या कहेंगे बसंत जी, किस तरह का माहौल इस बार जो देखने को मिल रहा है, कि एक तरफ जो है पीछे जो प्रत्याशी लंबे समय से राजनीति में कसवा परिवार एक्टिव रहा है और उनकी टिकट कटी है, वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो किस तरह का ध्रुवीकरण होगा? ध्रुवीकरण की कई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के काम, आम गरीब हो चाहे किसान हो चाहे युवा हो चाहे बेरोजगार हो चाहे कैसा भी हो, सब लोग मोदी को चाहते हैं और यहाँ मोदी को सुनने आए हैं, मोदी के नेताओं को सुनने आए हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। आज जो भीड़ उमड़ी है, जो इतनी भीड़ उमड़ रही है, अंदर भी लोग नहीं आ रहे हैं, ये भीड़ बताती और दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी में, देवेंद्र झाझड़िया में कितना प्यार और स्नेह है। और ये देखिए गेट पर राजेंद्र जी राठौड़ खुद भाजपा नेता मौजूद है और कार्यकर्ताओं को यह पंडाल में ले जा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गेट पर यहाँ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ताओं का जो है भारी सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। यूँ कहूँगा कि पूरा पंडाल ये देखिए कार्यकर्ताओं से भर चुका है, और अभी भी आप गेट की तरफ देखेंगे तो गेट पर लगातार जो है कार्यकर्ता अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये देखिए चंग धमाल के साथ कार्यकर्ता धमाल करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता बड़े जोश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं,
संतोष जी मेघवाल सुजानगढ़ से कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची है और जो धमाल करते हुए गीत गाते हुए पहुंच रहे हैं, क्या कहें, किस तरह का जोश है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जनता में जो जोश है आप देख रहे हो। आज जो विशाल नामांकन रैली हो रही है देवेंद्र जी झाझड़े की, निश्चित तौर से जनता में बहुत ही जोश है और उत्साह के साथ आए हैं और धमाल करते आए हैं, क्योंकि होली का पर्व कल ही गया है और लोगों में वही खुशी आगे भी मिलने वाली है। सब लगातार प्रयासरत है। आप कि सत्य के जीत होती है और जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। जिस किसान के बेटे ने हर परिस्थिति को पार करते हुए, संकट को पार करते हुए जिस प्रकार से देश की सेवा की और देश का नाम रोशन किया, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट सम्मान्य देवेंद्र जी झाझड़े को हम भारी बहुमत से विजय बना के लोकसभा में भेजे हैं, लोकसभा के माध्यम से हम संसद भवन भेजे ताकि हम सबकी आवाज बन के वहां गूंजे। कई अपनी बातें कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ, किसने गलत किया, किसने गलत नहीं किया, इन बातों का कुछ भी तुक नहीं है, लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है कि जिस किसान के बेटे ने देश का नाम रोशन किया, देश को गोल्ड मेडल दिलवाया, आज उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के सम्मान के लिए अगर हम सबको दिन रात मेहनत करनी पड़े तो हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी को आपका वोट सीधा जा रहा है और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नाम विश्व में रोशन किया है और हर वर्ग को जो सम्मान दिया है, वो चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सम्मान दिया है, तो हम सबको इस बार 400 पार का जो नारा है इसको पूरा करना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूरू की जो धरती है, यहाँ के सभी मेरे किसान भाई, मेरे युवा भाई सभी मिलकर इस बार 400 पार का जो नारा है पूरा करेंगे। राहुल कसवां कहता फिरता है कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं उसको ये कहना चाहता हूं, अरे किसान के बेटे को उसके दादाजी ने 1971 में मर्डर किया था, आज वो कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूं और राजस्थान में और चूरू जिले में परिवारवाद का नारा दिया कि सामंतवाद के भाई राजेंद्र राठौर साहब से के लिए कहता है कि मेरी टिकट कटा दी। अरे जिस परिवार ने 40 साल जनता का खून चूसा और वो कह रहा है कि मेरी टिकट कटा दी, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, भाइयों सब मिलकर देवेंद्र झाझड़िया को विजय मनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस ऐतिहासिक रैली में आप सब लोग पधारे और वास्तव में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बाहर दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं और इतनी संख्या में सब लोग आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जो सोच है 400 पार वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है और राजस्थान की 25 की 25 सीटें हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के जा रही है। आज की राजनीति जो हो रही है वो राजनीति के जिस ढंग से हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। हमने भी इस भारतीय जनता पार्टी से, मेरे को, मेरे परिवार को 13 भारतीय जनता पार्टी ने 13 बार संबल दिया है, 5 बार विधायक का दिया है, मैंने 2 बार विधायक जीता हूं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहा हूं और मेरी टिकट कट गई, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज तक आपके साथ रहा हूं। टिकट कटती है, टिकट पुनः मिल जाती है, टिकट तो पार्टी के अंदर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए भाइयों आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देवेंद्र जी झाझड़िया को आप भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। नोर और बादरा भौगोलिक दृष्टि से जिला हनुमानगढ़ में जरूर कहलाते हैं पर हमारी लोकसभा चूरू है और हम हनुमानगढ़ से दोनों जो हमारे विधायक और प्रत्याशी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नोर और बादरा के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, मैं बसंत जी को बता रहा था, आप हमारी संख्या देख लेना, इस पंडाल में आपकी 6 विधानसभा, नोर भादरा की 2 विधानसभा,
कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे नोर बादरा में। जिसके मन में गलत फहमी है वो गलत फहमी 19 तारीख को निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब एकजुट होकर नोर बादरा की दरा में कांग्रेस को पटकड़ी देने का इसलिए काम करेंगे। साथियों समझो एक बात, कितने सालों जब कांग्रेस को खातों खुलियो कौन, तो अब कड़े गलती ना कर दियो, ये कांग्रेस को डब्बो परमानेंट ही बंद कर दियो। अब गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। घर घर जाकर माननीय मोदी जी के प्रत्याशी, माननीय नड्डा जी के प्रत्याशी, माननीय अमित शाह जी के प्रत्याशी, माननीय बजरंग जी के प्रत्याशी, माननीय सीपी जोशी के प्रत्याशी, माननीय मंच पर उपस्थित सभी लोगों के प्रत्याशी, छोटे और बड़े भाई, देवेंद्र झाझड़िया के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से माननीय मोदी जी की टीम के सदस्य देवेंद्र भाई को भारी मतों से लोकसभा पहुंचाना है। और एक और बात बताऊं थाने, अच्छा वोटाउन जीतेगा देवेंद्र भाई तो कोई बड़ी बात को नहीं, कोई अच्छो बड़ो पद भी मिल जाएगा केंद्र में, तो अपना जितना भी केंद्र का काम है बामा भी अपने बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ो हौसलो मिलेगा। आज सारी बात केंद्र में थारा बीच में आया, कांग्रेस ना मुक्त होगी नरेंद्र मोदी ना प्रधानमंत्री मनाना चाहवा, तो आपने चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र से भी भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिता के भेजने का कर्तव्य अपना है। अगर आप से लोग से कार्यकर्ता ये भावनाओं लागसा क्या आपनो चूरू लोकसभा क्षेत्र के मायने भी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा को उम्मीदवार जीत कर जावे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो मतदान करे, तो ओ चुनाव भैया देश के प्रधानमंत्री को चुनाव। अब सोचना आपना है कि एक तरफ भाई नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी ना पाते इसको प्रधानमंत्री देखना चाहवागे कौन चाहवा, तो अपन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहवा तो एकमात्र विकल्प है नरेंद्र भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने वोट दे के चुनाव जिताने को काम करो। और जी चुनाव के मायने बार बार जाति की बात भी उठे, प्रजातंत्र में कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक जाति कदी सफल को नहीं उसके। आज की जाजम पर 36 कौम एक सागे बैठी है, जके भी पार्टी के सागा 36 कौम उसे 22 चुनाव के मायने सफलता प्राप्त कर सके, एक जाति समुदाय को कोई प्रजातंत्र में काम को नहीं। वास्तव में आप लोगों को अपील करना आया हूं कि कुछ लोग आगे सदा सर के प्रति भी एक भावना सुनने मिले जिले के मायने, कहकर सी सदा से राला कहकर सी अकरो थे आपस में बात, जका लोकसभा के चुनाव के मायने जी में 50,000 लीड 40,000 लीड दे के भेजा नहीं, बाकी बात सदार सर भेजा चिंता ना करया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे। इस नामांकन रैली में सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये चुनाव 19 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के भविष्य का चुनाव है। माननीय मोदी जी जिन्होंने हमारे देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया है और विदेश और दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, और माननीय मोदी जी ने आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया जिन्होंने खेल की दुनिया में हमारे चूरू जिले का और हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो माननीय मोदी जी ने जनता की सेवा की भावना रखने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया को हमारे यहाँ पे चूरू जिले का प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हम सभी का दायित्व है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ चूरू जिले को मिले, इसलिए हम देवेंद्र जी झाझड़िया को यहाँ से जिता के लोकसभा में भेजे और 19 अप्रैल तक हम सभी देवेंद्र झाझड़िया बनके ये चुनाव लड़े। सम्मानित मंच, अति सम्मानित चूरू लोकसभा क्षेत्र से गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश का गौरव एक बार नहीं 3 बार गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम
पूरे विश्व में रोशन किया। ऐसे हमारे शानदार लोकसभा प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को आप अपना मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर उनका मान और सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गो मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला, तीन तीन बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाला भाई देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन कई शानदार दिव्य भव्य कार्यक्रम के मंच पर विराजमान अपा जगाने प्राय ही मोदी जी के साके देखा अपने प्रधानमंत्री जी के साके अपना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब अपना सम्मान्य लोकप्रिय नेता राठौड़ साहब सम्मान्य राजस्थान सरकार का सबसे युवा कैबिनेट मंत्री अविनाश सिंह गहलोत और मंच पर विराजमान सभी डिग्निटी अपने प्रांगण में विराजमान सभी सम्मान्य महानुभाव देवियों बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग इतने शानदार रूप में ही नामांकन का मैंने पधारा तो आज ये उपस्थिति आपकी आज जीत को एक प्रकार को प्रमाण है कि निश्चित रूप से आपकी जीत बहुत शानदार होगी और जो मोदी जी को 400 लक्ष्य भी ने प्राप्त कराऊंगा। राहुल कश्यप के खेत तो खेज अच्छी है जिकी कांग्रेस नष्ट होने में आ रही है जिकी की मति भ्रष्ट होगी ये भी के सागर होया करे है कोई बात थोड़ी कितो सम्मान ही पार्टी में भागो हो कांग्रेस की देखा करें हर काम को विरोध करनो राम मंदिर को विरोध करनो 370 की धारा को विरोध करनो तलाक प्रथा को विरोध करनो और तो और इंडिया को नाम भारत है इंडिया को नाम तो अंग्रेज दे दिया गुलाम को कोई नाम को नहीं होवे। एक बहुत बड़ो फिलोसफर हो लुकमान हकीम वो गुलाम हो पहले वो आपके मालिक पूछोगे तेरा नाम की है बोले साहब जो नाम आप देंगे बोले तेरा नहीं है कि बोलना गुलाम का कोई नाम नहीं होता है गुलाम ने कोई भी नाम से पुकारो तो आप गुलाम आ तो आपने इंडिया नाम दियो का भी नाम ने हटाकर भारत नाम कर रहे हैं अभी को कांग्रेस विरोध करिए सब लोग दुर्भाग्य क्यों हो सके कर सके। इतनी शानदार संसद आपड़ी बनी जगह के ताबूत बनाए गए आज विश्व की सबसे शानदार बिल्डिंग है सबसे आधुनिक बिल्डिंग है कितनी सुंदर सुविधाएं है कितनी तो एक सुंदर एक चीज है कद अंग्रेजा की बनाई ली एक अपनापन को अपन महसूस हुए बिना के ताबूत है वो आ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होगी हमेशा से देख रहे पहले वो अभिषेक कह रहे हो यादव भाई इंजेक्शन बीजेपी का बनाया है जो मैं तो टीका कौन ले वहां करा और बाद के माने से लिया कर राम मंदिर को विरोध कर रहे अब सब जा रहे हैं कोई गंगा नहा रहा है कोई सरयू नहा रहा है कोई ओले जा रहे हैं कोई छाने जा रहे हैं तो आ लोग सब की के वोटें की राजनीति करने की चेष्टा के मायने ये लोग आगे मति भ्रष्ट होगी और आपड़े रामचरित मानस के जगह पर घोर विपत्ति आने वाली बने सबसे पहले की मति भ्रष्ट हो तो कांग्रेस की मति भ्रष्ट होगी अरे क्या मैंने जा रहे है बाकी भी मैं सागरू का मति भ्रष्ट होगी कि तो गलत काम कर रहे हैं आप लोग भाई देवेंद्र झाझड़िया ने बहुत ज्यादा वोटाऊ जीताओगा तो जो लक्ष्य है नरेंद्र जी मोदी को 400 को बिना आप प्राप्त करा रहा अपने देश तक खटे पहुंचाना है नेस्त्राद्राम को जी की भविष्यवाणी है कि एक दिन हिंदुस्तान संसार को सबसे बड़ो देश बनेगो वो लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपस्थित मंच पर सभी नेताओं को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये सरदार शहर के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है सरदार शहर हमेशा एमपी के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है मैं बिल्कुल आपको यह विश्वास दिलाता हूँ उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे और जीत जान लड़ा देंगे और निश्चित रूप से जीतता हमसे बन सकेगा। मेरे सम्मान्य नेता रीणवा जी भी बैठे हैं अशोक जी भी बैठे हैं सारी टीम एकजुट के ये चुनाव लड़ेगी और ये जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र महा लीड के साथ आपके सामने आएगा। आज की इस नामांकन रैली में मंच पर विराजित हमारे बहुत ही विशिष्ट मेहमान भारत सरकार में कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हाँ चूंकि हम किसान के बेटे हैं जिन्होंने वर्षों से किसान के लिए हमारे परिवार ने काम किया ऐसे परिवार के लोग हैं हमें अब वो मौका मिला है उन मौका प्रस्त लोगों का छुटकारा पिलाने के लिए उन मौका प्रस्त ताकतों को हम छुटकारा पाने चाहते हैं चूरू जिले से तो हम एक एक किसान के बेटे देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए काम करें। आप सभी जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जिन्होंने अपने 10 साल बेमिसाल जनता को समर्पित किया है जिन्होंने अपने 10 साल किसानों को महिलाओं को युवाओं को समर्पित किया है
हम सबको यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि 19 तारीख को भाई देवेंद्र जी को हमें भारी मतों से विजय दिलानी है, क्योंकि जो राम जी को लाए उन्हीं को हमें विजय बनाना है, इसी विश्वास और संकल्प के साथ। कि मेरा परिवार जब देश आजाद हुआ था उससे पहले कांग्रेस में था, देश की आजादी में मेरे परिवार ने बड़ा योगदान दिया था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी के लिए उनकी एक साल की सजा हुई थी और उसके बाद में इस कांग्रेस को जिंदा रखा राजगढ़ में, तो मैंने और मेरे परिवार ने जिंदा रखा। बड़ी सेवा की, लेकिन समय के अनुसार बदलता रहा समय, और पिछले सालों में ऐसा समय आया कि मुझे और मेरे परिवार को इस कांग्रेस से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। और जिन लोगों ने भाई 50 साल तक इस पार्टी की सेवा की, पार्टी को जिंदा रखा और उसके साथ ही ऐसा व्यवहार हो, तो देखिए भी ऐसी स्थिति भी ऐसी पार्टी से क्या फायदा। मुझे दुख भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये खुशी भी हुई कि आज देश को आगे ले जाने वाले, इस देश को किस मान और सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के देश में नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है, उसकी प्रगति की सारे सब जगह प्रशंसा हो रही है। तो मैंने भी बीजेपी ज्वाइन की और आज आप लोगों के सामने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। ठीक, हार जीत चलती रहती है, 7 चुनाव लड़े, 2 जीते, 5 हारे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू है, जो चुनाव लड़ता है वो हारता है। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं हमारे क्षेत्र के, उन सभी का मैंने परसों हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष जी भी पधारे थे, हमने भी मीटिंग ली थी, एक सब में एक उत्साह है, एक मोदी जी के नाम से उत्साह है, एक देवेंद्र के नाम से उत्साह है, एक ऐसे लड़के के नाम से लोगों में उत्साह है जो एक गरीब के परिवार के घर से जन्म लिया। मुझे याद है जिस समय इनका बिजली के करंट से हाथ कटा था, उस समय ये दयनीय स्थिति में थे। इनके पिताजी मेरे साथ उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन इन्हें देवेंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी। एक लकड़ी का वो लट्ठी लेकर उसे प्रैक्टिस करते थे। देखिए आदमी की हिम्मत देखिए, एक हाथ और उससे इतनी प्रैक्टिस करना, समय का चक्कर चला। इनका ओलंपिक में चयन हुआ और कई मेडल उन्हें भारत के झोले में दिवाए थे। आने वाली 19 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होना है और हम सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। देश का सबसे बड़ा चुनाव इसलिए है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
लगातार इस देश को मजबूत करने का काम किया। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी। एक तरह से आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। आज इस आने वाले चुनाव के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार भारतवर्ष को मेडल दिलाने वाले, लगातार पद्म भूषण, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड जैसे महान अवार्डों से सम्मानित होने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी किसान परिवार में पैदा हुए एक खिलाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के न केवल एक किसान के बेटे का मान और सम्मान करने का काम किया है, बल्कि एक खिलाड़ी का और हमारे पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का मान और सम्मान करने का काम किया। एक तरह से मोदी जी ने आगे बढ़ करके भाई देवेंद्र झाझड़िया से यह आदेश करके कि आपने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है, जाइए चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा का बीड़ा उठा करके इस इलाके का आप नाम रोशन करने का काम कीजिए। आज देवेंद्र झाझड़िया को मोदी जी ने एक चुनावी भाला सौंप करके, एक राजनीतिक भाला सौंप करके यह आदेश दिया है कि जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से और आप लोगों के भरोसे पर आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव रूपी भाले को इस चूरू के चौक से इतने मजबूती के साथ फेंकेंगे कि वह भाला कांग्रेस के हर अस्त्र और शस्त्र को भेदता हुआ लोकसभा से पार जाकर के गिरेगा। साथियों, आज मैं मंच पर बैठे हुए मैं समस्त नेतागण को, मेरे समस्त साथियों को, क्योंकि भादरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पधारे हो, बड़ी संख्या में आप पधारे हो, मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज से पहले दो लोकसभा चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से देवेंद्र झाझड़िया जीत करके जाएगा। मैं मेरे भादरा के कार्यकर्ताओं को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं क्योंकि आज पूरे भारत की नजर, आज पूरे देश की नजर, पूरे राजस्थान की नजर, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर भादरा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। मैं आपके भरोसे पर विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग यदि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, यदि आपके इस कार्यकर्ता, आपके इस भाई, आपके इस बेटे,
संजीव बेनीवाल को यदि राजनीति में मजबूत देखना चाहते हो तो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को रिकॉर्ड मतों से नोर और भाजरा से आप जिता करके भेजेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। केवल ये आह्वान देवेंद्र को करते हुए कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नादों को पाला जाए, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कि क्षमाशील जब तक रहे युधिष्ठिर, द्रौपदी की लाज बचा न सके, बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ क्या पांच गांव भी नहीं बचा सके। इसलिए अब हम सबको जिम्मेदारी के साथ में कहना पड़ रहा है कि चुनाव परिवारवाद के खिलाफ में है, ये चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर है, ये चुनाव विकासवाद के नाम पर है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के आने वाले पांच वर्षों के भारत के दशा दिशा के निर्णय का चुनाव है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आइए मिलकर के अपने बूथ की संकल्पना को पूरा करें, राजस्थान सरकार की संकल्प से सिद्धि की योजना को साबित करें, अंत्योदय से सूर्योदय को साबित करें। और मैं इसलिए कहता हूं, आइए मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो काम हुए और इन 10 सालों के काम के आधार पर जो जो फैसले आप लोगों ने किए, जो फैसले आप लोगों के सामने हुए, उसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर विश्व का सबसे ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में है तो विपक्ष सबसे घटिया और गिरा हुआ भी इस भारत देश के अंदर है, जिन्होंने न जाने कैसी कैसी बातें की, और वो तो मोदी का विरोध करते करते जो राष्ट्रद्रोह पर आ जाए, राष्ट्र के विरोध में आ जाए, ऐसा विपक्ष भी हमारे भारत देश में है। लोकतंत्र हम सबको मजबूती प्रदान करता है, लेकिन हमारा उद्देश्य इतना रहे कि जैसा महापुरुषों ने देखा भारत अपना आगे बढ़े, ये मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं। बड़ी जोरदार ताली बजाकर भाई ने देवेंद्र झाझड़िया का स्वागत करें, और हमारे अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जोरदार ताली बजाकर देवेंद्र झाझड़िया का स्वागत अभिनंदन मान सम्मान करें। ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, ओलंपिक के अंदर 3-3 गोल्ड मेडल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 से 60 के करीब पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक गरीब किसान का बेटा, गरीब जाट परिवार में जन्मा वो बेटा जिसको आज आपकी जरूरत है चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व में, मैं तो इतना निवेदन करता हूं देवेंद्र झाझड़िया जी, ये जो जलसा जो जनसैलाब आज आपके साथ में आपके समर्थन में खड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा। 2014 में मोदी के नेतृत्व में चूरू जीते थे, 2019 में जीतेंगे, 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार यहां से भाई देवेंद्र झाझड़िया को जिताएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। एक बार नारा लगाएंगे, देवेंद्र झाझड़िया, नरेंद्र मोदी। देवेंद्र जी झाझड़िया भी पहुंच गए हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जा रहे हैं, यहाँ क्षेत्र के भी कुछ दिव्यांग जन, विशिष्ट जन आपका पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की, दोनों मिट्टी बीच के, भारत माता की, न विकास का है, न दाढ़ी का है, न खम्भे का है, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये कि सिर्फ एक ही बात कहना, लगातार जिस परिवार को 35 साल से इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, वो परिवार आज कह रहा है कि भारतीय जनता ने घुटन थी,
अरे वहां सरपंच से लेके लोकसभा तक कितनी बार आपको भेजने का भी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं ने किया है, और आप आज ये कह रहे घोटन हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये चूरू जिला चूरू लोकसभा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र सारे लोगों को कि जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं लोग, उस तरह का वातावरण पुनः बहुत आते हैं जाते हैं, पर जाति के नाम पर जाति के आधार पर राजनीति में चलने वाले आदमी नहीं हो सकते, आप सबको पता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चूरू के मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को, छत्तीस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आपने लोक विधानसभा में भेजने का काम किया था। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर मेरे कमजोर कर दोगे, मेरे को जिंदा देखना चाहते हो, चूरू के विशेषकर कह रहा हूं, ये बात कर रहे हैं मेरी और संजीव जी की परीक्षा घड़ी है, इसलिए परीक्षा घड़ी है हमारी, आपकी परीक्षा घड़ी इसलिए है कि हम दो विधायक हैं आठ में से, और हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जीत गए, यहां से 19-20 बात होगी तो लाल सांड कमजोर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका खून पसीना कई कमी नहीं आने दूंगा, मेरी इज्जत रखना। पटेल जी बैठे हैं, सतीश जी आए बैठे हैं, ये सब देख रहे हैं कि आप जगह जगह बैठे हो। मैं एक गांव खासोली गांव से मेरे को चला के लोकसभा विधानसभा भेज दिया आपने, मैं मेरे गांव के विधायक से दूंगा राजेंद्र राठौड़ साहब ने, जिसने मेरे गांव से पंचायत समिति चुनाव लड़ा है उस दिन से लेके आज तक प्रधान प्रमुख और विधायक बनाया। इसलिए एक जाति के नाम पर जो भ्रमित करते हैं, विशेषकर मैं मेरी कौम के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे को अगर जिंदा देखना चाहते हो और मेरे को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो 36 कौम बैठी है, पर मैं विशेषकर मेरी जाति को कहना चाहता हूं कि चुनाव मेरी परीक्षा घड़ी है, इसमें मेरे कमजोर मत कर देना, है कि नहीं बात है। दोनों हाल का योजना करके चलो भारत माता की। सीपी जोशी जा रहे हैं जोर से, सीपी जोशी जी, देवेंद्र झाझड़िया, सतीश पूनिया। मैं ये इसलिए बात कह रहा था कि ये परीक्षा की घड़ी है ही है, मगर जिस तरह का वातावरण बनाया है कुछ लोगों ने, उसकी ध्यान रखिए मित्रों, वरना ये जिले का और इस लोकसभा का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि आपको पता है कि डबल इंजन सरकार है राजस्थान में, बदलना सरकार दिल्ली में, सबको पता है 400 पार बन के मोदी सरकार बन रही है। अगर कुछ लोग पूर्व सांसद महोदय कह रहे हैं कि मैंने 20,000 करोड़ का यहां विकास कर दिया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। विकास कराते तो किसी एक समाज के लिए, चूरू जिले में एक रुपया कहीं लगाया समाज की दुआ देने वाले को कहना चाहता हूं, एक रुपया कहीं भी लगाया, कहीं जमीन दी तो बताइए कहीं कुछ समाज के लिए क्या बताइए। इसलिए मैं समाज के विशेष के लोगों को कहना चाहता हूं, आप सब मिलके इस भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, मेरा साथ दे, ये निवेदन करूंगा। ये जो जातिवादी बात कर रहे हैं वो कुछ लोग दिन मत आएंगे, वोट की चोट से अपने को मोड़ लगा के देवेंद्र झाझड़िया जी को लोकसभा भेजना है। बैठो, यमुना का पानी 25 साल से पड़ा हुआ था, थाने पत्ता चूरू और झूझ सिक्के में लाना दलाल सरकार है भी, मैं योगदान बहुत बड़ो ऊपर मंच पर बैठे वालों को भी, मेरे तो आप तो निवेदन है कि ओ चुनाव अगर 19-20 बात होगी तो चूरू को दुर्भाग्य होगा। प्रत्येक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, आप सब मिलकर किसान भाइयों, एक किसान का बेटा आपके बीच में है और किसान का बेटा इसलिए है कि अगर राहुल जी को पूछ लेना नेक्स्ट क्यों अरे बागड़ो घटो है अरे फिंडी घटला गए अर तो अगर तंगड़पटिया मार दे ऊंट पर है किसान वो है वो एक हाथ मंडल आपके बीच में वास्ते किसान को बेटो अस्तित्व है भाई। और जाति की बात करना है थोड़ा सा नहीं मिलेगा, सुबह पहले उठता ही काम पड़े हर आदमी का, इन वास्ते आप सारा लोग मिलके मारो साथ दे, आप सब लोग पधारिया, आपके चरणों में नमन करता हूं, मेरी वाणी में नाम दू, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देवेंद्र जी झाझड़िया को भाला भेंट करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि माला के द्वारा झाझड़िया जी की टी शर्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ भारत लिखा है, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है तेजा का वंशज, झाझड़िया जी तू भी है तेजा का वंशज,
तू भी है भारत माँ का लाल, तू भी है मोदी का परिवार, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। और वो अपना उद्बोधन दे, जोरदार तालियों से सतीश जी पुनिया साहब का स्वागत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अरे नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीड़ बुलावन वाली सी है। सही है। अच्छा कई कुंवारा तो यूं राजी हो रहे हैं, जाने देवेंद्र जीतता है धरोब्या करा देगा। जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही होगी, और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बनाकर दिखा दिया। ये आपका हम सब का सौभाग्य है, दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था। और उस अनूठे युद्ध में इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा जी चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है, कहीं खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहां अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए भारत माँ की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे यह सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी थी मन में, लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताज्जुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी, आपकी कोख के, आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता है, और उस खानदान में भी बता दो जो सीना के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में लेना चाहूंगा, ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी एक सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान प्रमुख और सांसद और विधायक बन गए हो, ऐसा पार्टी की रीति नीति में विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को, ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को कि चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है। बॉल आपके पाले में है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना शहादत होती
तो इनाम तो राजेंद्र जी को और मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था। टिकट कटना साबित होती तो 2003 में यही नाम मुझे मिलना चाहिए था। 2003 की उस सभा को देखिए जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो यह था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं, उसका मान सम्मान और ऊंचा होता। मेरे ख्याल से देवेंद्र का घर देखो, देवेंद्र के माताजी और पिता, माताजी को देखो और उनके परिवार को देखो, देवेंद्र का रहन सहन देखो, देवेंद्र की संजीदगी देखो, देवेंद्र की तिरंगे के प्रति निष्ठा देखो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, कोई भाई को सर्टिफिकेट बने डे के किसान को कि यो ही किसान को वो और यो ही जाट है, ते देवेंद्र ने जात बार कर दियो के को नहीं करो ने, तो देवेंद्र को विधान लोकसभा की टिकट को हक होक नहीं हो, योग्यता में देवेंद्र को हक होक नहीं हो, देवेंद्र तिरंगे को मान करो कि नहीं करो, देवेंद्र तिरंगे की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र मोदी जी की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र बीजेपी की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र राजस्थान की माटी की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र चूरू जिले की इज्जत करी कि नहीं करी। तो देवेंद्र ने टिकट मिल गया तो गुनाह हो गया, थाने पूछू मैं गुनाह है के, गुनाह है के, गुनाह है के, गुनाह है के, गुनाह कहेंगे है जी, गुनाह उनको है कि जिन्होंने 33 साल तक सत्ता की मड़ाई चखी, जो कालरी के सरपंच से लेकर हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चार बार रहे, दो बार बेटा रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को यही है कि खानदान की विरासत को उखाड़ कर एक देवेंद्र जैसे सहज सरल और सच्चे लोगों के माथे पर तिलक लगाओ। अरे भले आदमी पार्टी छोड़ने से ये पहले ये तो पूछ लेता कि तूने पहले क्या क्या भाषण दिए थे। मैं वो वीडियो देख रहा हूं, ऐसा लगता इससे ज्यादा कोई संत आदमी नहीं, इससे ज्यादा कोई देशभक्त नहीं, इससे ज्यादा कोई मोदी भगत नहीं। अरे भाई गया तो किसके साथ गया, मैं कोई नाम को नहीं लियो भाई, मैं कोई नाम को नहीं लियो है, और बाजार में कोई स्टोर पर कोई चीज मिले तो यूं लिखेड़ हुआ है बाय वन गेट वन एक के साथ एक फ्री। तो चूरू जिलो धर्मशाला है कि भाई एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या कोई अंडरवियर की दुकान है कि एक के साथ बनियान फ्री मिलेगी। सरदार शहर के उपचुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे क्या, सुजानगढ़ में बीजेपी का कमल का चिन्ह नहीं था क्या? गारंटी लेने के बाद भी किस तरीके का द्रोह हुआ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पार्टी बदलनी थी और केवल यही जिद थी। एक बार सलाह करते मैं ये कहता हाथ जोड़कर, अरे भले आदमी ये तो देखो, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान कौम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना दी, राजगढ़ और चूरू के कारगिल के शहीदों को पैकेज दिया, उस नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचते जिन्होंने खेती का बजट 21,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ कर दिया। मोदी को देखते, देश को देखते, तिरंगे को देखते, 40 साल का इतिहास देखते, अरे कौन सी पार्टी में जाके डूबे जिसने चूरू जिले के किसानों के बेटों को
खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया, वो पार्टी पकड़ी, पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और सीपी जोशी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, इन पेपर लीक के चोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, आपको बताइए पेपर लीक से आपके बच्चे को तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? तो जो पेपर चोरों का साथ देगा, उन चोरों के साथ लगोगे क्या? भाई थोड़ी आवाज और जोरदार होगी तो मन मजो आवेगो। पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? वो सरकार थी पांच साल, 95 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर हुए, ऐसे अपराधियों का साथ दोगे क्या? जिस सरकार में बड़े बड़े लोग ईडी के दायरे में है, जेल जाने से जुगत भिड़ा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाओगे क्या? मैं एक वीडियो देख रहा था, आज का ताजा वीडियो, पाकिस्तान में एक 85 साल के हिंदू ने केला खा लिया, वहां के लोगों ने, वहां की हुकूमत ने उसकी बहुत निर्मम पिटाई करी। क्यों करी? कि रमजान के महीने में हमारा रोजा है, तुझे भी अपने रोजे में खाने का कोई हक नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही देख लेते, जो सबका साथ सबका विकास करके हर घर के चिराग को रोशन करता है, क्या ऐसी पार्टी के उन नियत के लोगों के साथ जाओगे क्या? कि ये चुनाव देश की अस्मिता का, स्वाभिमान का, सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासियों का चुनाव है, ये उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में 140 करोड़ लोगों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया, उस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। देश का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, लेकिन ये चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और ये जंग आप लोगों को लड़नी है। फिर ताली दम लगाओ। ये चूरू का चुनाव चूरू की आजादी का चुनाव है, और इस आजादी में भाई देवेंद्र को पूरी मजबूती से, पूरी इज्जत से, पूरी शान से आप भाई देवेंद्र के माथे पर तिलक लगाओ। मैं आपको भरोसा देता हूं कि इतिहास पूरी मजबूती से लिखा जाएगा, चूरू जिले की आवाम के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। के सामने खड़ा हूं, मैं दो बार दिल्ली का सांसद रहा और सबसे ज्यादा वोटों से जीता, मगर मेरे को पार्टी ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बदल रहे हैं, और आज मैं अपनी दूसरे जिम्मेदारी निभाते हुए आपके सामने चूरू की धरती पर खड़ा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप सभी के दर्शन कर पा रहा हूं, और मैं अगर दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो मैं आपके सामने यहां पर नहीं खड़ा होता। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी भगवान करता है वो अच्छा करता है। अगर मैं दिल्ली में चुनाव लड़ रहा होता तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के, आप जैसे जिन लोगों ने चुरू में पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी जो हमारा परिवार है उसके दर्शन कैसे कर पाता। मैं आप सभी को सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये चुरू की ये जो धरती है श्री सालासर बालाजी महाराज की, आज उनके चरणों में भी नमन करता हूं। और मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था, तो मैं देख रहा था, मुझे लगा कि सभा खत्म हो गई, क्योंकि बाहर भी मुझे 10,000 आदमी दिखाई दिया, और जब मैं अंदर आके देखा तो मैदान छोटा लग रहा था। अगर ऐसा ही मैदान, तीन और मैदान होते तो आज की सभा देखकर वो भी छोटे पड़ जाते। ये आज की सभा देखकर मेरे को चुरू में कमल का निशान खिलेगा 4 तारीख को, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर बात केवल इतनी है, ये जीत
ये 3 लाख से होगी, 4 लाख से होगी, 5 लाख से होगी। आप अपने प्रत्याशी को कितना मजबूती से वहां पे संसद में भेजकर हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, ये लड़ाई केवल वो है। और ये नरेंद्र का देवेंद्र है, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ये उनका नरेंद्र का देवेंद्र है। इस ऐसे हमारे देवेंद्र को यहां पे प्रत्याशी बनाया है। और मेरे को अच्छा लगा जब इनकी टिकट की घोषणा हुई थी तो ये बता रहे थे कि जब मेरी टिकट की घोषणा हुई तो मेरी मां खेत से आ रही थी। एक ऐसा साधारण परिवार का बच्चा, अगर मोदी जी देश में पद्मश्री किसी को देते हैं तो देश के कोने पहाड़ में रहने वाली महिला को ढूंढ कर लेके आते हैं जो वहां पर पहाड़ पर अच्छा काम करती है, क्योंकि आज देश का जो पद्मश्री है वो किसी पत्र से नहीं मिलता है, वो आदमी के चरित्र से मिलता है। ये हमारी मोदी की सरकार है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये मोदी जी के शब्द थे कि उम्र के सामने आप कभी झुके नहीं, और आपने उम्र को झुका दिया कि 42 साल की उम्र में भी जहां पर खिलाड़ी अपने रिटायरमेंट का सोचता है वहां पर एक खिलाड़ी का जज्बा था। और यह जज्बा मुझे आने वाले 5 साल में दिखाई दे रहा है कि हमारे देवेंद्र भाई आपके बीच में दिन रात रहकर जैसे वो गोल्ड मेडल लेके आया देश के लिए, वैसे देश में सर्वोच्च सांसद का एक जो है पुरस्कार वो भी गोल्ड मेडल लेकर रहेगा। अब ये हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए कि देश ने ये तय करना है कि जो 75 साल में देश की नींव रखी गई है, आपने आने वाले सालों में देश को किन के हाथों में देना है। क्या इंडिया अलायंस के चोरों के हाथों में देना है, या एक ऐसे सच्चे भारत माता के सपूत जिसका नाम है नरेंद्र मोदी उसके हाथों में देना है। ये चुनाव वो है, ये चुनाव केवल चुरू का नहीं है, ये चुनाव अमेरिका को भी संदेश देने वाला है, पाकिस्तान को भी संदेश देने वाला है, ये चुनाव चाइना को भी संदेश देने वाला है कि देश का एक एक वोटर वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी। कोरिया गई फिर बताओ, आई कि नहीं आई बताओ, तो फिर चुरू सु एमपी बीजेपी तो नहीं होना चाहिए, कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी। कहीं करियो मोदी जी ई वास्ते फिर आसी कहीं करियो, ओ करियो देखो शानदार काम, बाकी चीज सबला बता दी, पर माए गीत बताऊं थाने। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, हटाई कि नहीं हटाई बताओ, हटा दी, तो ताली तो जोर बताओ भाई जी, ये कहीं करो। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखे बाने धूल बाटा दी, चटाई चटाई बताओ, भारत खानी देखे बाने धूल बाटा दी, अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी, बेरो कौन गई हो, थाने कौन गई बेरा बताओ, अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी मोदी, फिर आसी, फिर आसी मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी। आसी नहीं भाई जी, मोदी जी
ये तो नाते नहीं लागे। आई मोदी जी, आई 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 तार लागे। वाह भाई वाह, जोरदार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इतना ही विश्वास दिलाना आया हूं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को लंबे समय से जानता हूं। मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो जो सैनिक बस्ती जिसका पीछा मेरा लंबा किया, राठौड़ साहब को पता है उसका। लेकिन मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को भी एक प्लॉट इसलिए देके गया था कि इन्होंने तिरंगे की शान रखी थी और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं ये देशभक्त देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कर्मयोगी देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चूरे के विकास को चौगुना करने में सक्षम है देवेंद्र झाझड़िया जी। आप 19 तारीख का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को जो जिताइए। और जैसे कभी किसी ने कहा था इस मंच से ही कहा था कि आप एमपी बनाना, दिल्ली से कुछ और भी बनकर के देवेंद्र जी यहां आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी फिर आ रहा है। फिर आसी रे मोदी, फिर ओ फिर आसी रे मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सितारे साथ मोदी, फिर आसी। अब की बार फिर एक बार कभी भी शख्सियत न सुनना चाहो। एक किसान के झोपड़ी में जन्म लेकर संघर्ष को पर्याय बनकर, संघर्ष से सिद्धि तक ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने ही देश का गौरव बनाया। पद्म श्री, पद्म भूषण, जगाने पूरा हिंदुस्तान जाने, इशा अपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो। आप सीपी जोशी साहब की बात सुनना चाहो, मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं। जोशी साहब, हमारे इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर को नहीं मिले। फसल कड़ी है, सरसों की कटाई जोर पर है, भी वक्त में काम काज छोड़कर लोग आया है और वो सोच कर आया है को चुनाव, देश का सम्मान को चुनाव, वो चुनाव देश का अभिमान को चुनाव। और ये चुनाव के माध्यम आपनो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने, वो ताकत देना को चुनाव है। बात से लोग मोदी जी के भी बात ने लेकर आया है। अब आप पिछले दिन कई कार्यक्रम में भाया गया, गांव में गया, लाभार्थीगण गया, महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो। आपने जिला के अंदर भगवान की सौगंध खाकर क्यों कोई शो घर नहीं हुई जी, घर में मोदी जी को कोई ना कोई उपकार नहीं बोलतो। किन्हें मकान मिलो है, किन्हें झोंपड़ किन्हें ढारो मिलो है, किन्हें गैस मिली है। अरे और तो और थे, याद करो भाइयों, आदमी को नहीं मिला कर तो कोरोना में भी वक्त आप सोचा करता जीवन जीतोगे मृत्यु हारेगी तो वैक्सीन अपन भी। 80 करोड़ लोगों ने आज तक अनाज मिल रहे है बिना थारा कोई मांग करया। खाता में 6000 रुपया जा रहा है, तो भजनलाल जी डबल इंजन की सरकार बिना 8000 कर दिया, फिर 12000 करेगा। अरे इलाका में एक दो दिन नहीं, सतीश जी भाई साहब ने पतो है आपने अठा राजस्थान में 19600 लोगों की जगह जमीन नीलाम हुई, कर्जा की बात कांग्रेस करी बिंगंदर सतीश जी, 1800 लोग ही चूरू जिला में। अरे एक तरफ तो बेलोग है। मैं आपने एक ही बात कहना चाहूं भाइयों,
टिकट देना, टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरों पर है, और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबका सामने बात है, राजसमंदों मेरो नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी, अजमेरू सतीश जी को लेकर गया, टिकट को नहीं मिली, सीपी जोशी जी को हुक्म आयो जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते, अगर 35 साल हूं ईमान दे रहे हूं 36 कौम की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ चूरू गगड़ी में जाओ उप तक नहीं, और भाइयों 13 टिकटा बदली है अब तक, 22 टिकटा की घोषणा में 13 टिकट बदल गई, आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी ने की टिकट बदल गई क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग ही जीता बीजेपी का, आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खीचड़ की टिकट बदल गई क्योंकि 8 मुंह 2 लोग ही जीता, आपने राहुल जी की टिकट बदल गई क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीत्या जी में एक तो हरलाल बैठे ने भी, हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में तो एक ए, 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 एक दिल दो जान के रूप में जीत, इस मुगाल तो करनो चाहे, मैं तो आपने इतो ही कह सकू का पिछला कई बरसा मेरे को मैंने आप जानो, सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी, मैं और राम सिंह जी वांगे घर पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके यो दायो है, तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो नाका हो, पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव डाणी डाणी में लख जगा दी, याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव 167 वोटों को चुनाव, आज ही मंच पर मेरा बेटो पराक्रम बैठे हो गोकट है, मैं बिगे सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बने राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदे जाति देखी ना पाती देखी जान लड़ा दी बिंगे वास्ते, और मेरी आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वह आप मुशा कोई मिनख नहीं होगा जगह मेरे घर कदे नहीं आया होगा या मैं आपके इनको नहीं आया होगा, थाना थारा भगवान की सोगन थे मेरे घर में आया हो या मैं थारकन गया हूं, आज सुबह 5 बजे हूं लेके रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले हो तो गुनाहगार हूं आपको, और फिर भी कोई गुनाह मेरे मुंह है तो बस सजा दे दीजिए, पर वो सवाल मोदी जी को है देश को सवाल है, इमें कोई चूक नहीं हो जावे, डबल इंजन की सरकार बनेड़ी है भाइयों, और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार अभी पुना पौने 5 साल चलेगी, आपने वो नहर को मुद्दो आपने प्यासो आपने जिलो यमुना को पानी को समझौतो, इस समझौता के अनुसार जे आपने रगा में खून दौड़े में पानी दौड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में है, आपको मेरी प्रार्थना है, मैं कोई लंबी बात को नहीं करूं पर जब फूल छाप कांग्रेस का दिन लदे है याद कर लो भाई सब भाइयों डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ अभी ए बैठे है वैद्य जी ए पूरी बात ए बता देता, जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो के बात हुई, बहादुर सिंह जी कालवा साला खड़ा हुआ तो के बात हुई, अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा हुआ जब के बात हुई, आज ए फूल चाप कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहे है जब कह रहा है, और कई बार तो कह रहा है कि मेरे लिए आजकल मांगी फोटो कौन छपा है भाई, राहुल जी थे तो भी राहुल कन गया उस जगह दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है अब दो हो गया, अब मेरी बात मेरी समझ में कोई नहीं आया, थारा दिला में मेरी फोटो है तो मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है, ये वास्ते है मेरा तो आपको इतो ही निवेदन है
और अभी आप रास्ता माया और राम मंदिर जी का राम मंदिर बनने का पोस्टर लग रहा है, राहुल जी लिख रखी है राम मंदिर बनाने के लिए, धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहले मैं एक स्टेटस देखो, सब लोग माने के मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे हो, मोदी का परिवार की बात कहने वाला परिवार जब जंग में उतरे लड़ाई में उतरे वे भाग जावे, 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे, फैसलो थार कने भाइयों, अगर कोई गुना है तो पल्ला बांधा नहीं तो चूक मत कर जाया। और अगर मैं मेरी बात समाप्त करूं, ईश्वर ने खुदा ने राम जी ने सालासर बालाजी ने माता जी ने सब ने मानने वाला लोग हो, हाथ खड़े होकर के सीपी जोशी ने विश्वास दिलाओ कि एक हाथ के देवेंद्र सागे ये सारा हाथ है सीपी साहब, एक हाथ देवेंद्र को नहीं अनेकों हाथ देवेंद्र का है, रा सीट जिता के भेजांगा, प्राण दे देंगा पर सीट जिता के भेजांगा। आए शब्दा के सागे बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा नेतृत्व करने जा रहे देवेंद्र झाझड़िया का। नारा लगाएंगे देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देसी भाषा में कई ग्रे करे के एक आदमी का कई आदमी हो जाए, इस दौर चल रहे हो लामणी को ओम इतना लोग आया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं राम राम करता हूं। इस नामांकन रैली में आप सभी लोग आए तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि आपको धूप में बहुत रहना पड़ा क्योंकि टेंट छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी आप यहां डटे रहे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया है, और किसान का वो बेटा जो 95% किसान होते उनमें शामिल है, 10-15 बीघे जमीन है मेरे पास, तो रियल किसान के बेटे को ये सम्मान दिया है, उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3-3 मेडल जीते हैं, यह सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं ये दिव्यांग है। देखिए मैंने तो लास्ट 20 साल एक कमरे में गुजार दी इस देश के लिए, एक कमरे में रह करके मैंने तैयारी की और इस देश के लिए मैंने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते, 3 पैरालंपिक मेडल जीतना इतिहास बनाना, 18 साल तक आपके बेटे आपके छोटे भाई के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जिंदगी का एक अंदर एक पीड़ा रह गई कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। किसान के घर में जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देना, हो सकता है मेरे पास यदि साधन होता तो हो सकता है वो हाथ भी बच सकता था, मुझे कोई अमेरिका भेजने वाला होता या कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजने वाला होता, किसान का बेटा था एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और वो भी 6 महीने। बचपन में सरकारी स्कूल की पूरी पढ़ाई की, क्योंकि ज्यादातर जो साथी अब मिलते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ पढ़े हुए हैं तो खुशी होती है,
लंबा संघर्ष रहा जिंदगी के, फेंकने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद जो मुझे लास्ट आप वर्षों में देखा होगा, 10 साल में जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, आपने वीडियो भी देखे होंगे मोदी जी के साथ कि देवेंद्र जी आपने तो कमाल कर दिया, 40 साल की उम्र में भी मेडल जीत लिया आपने। कितने वीडियो आते हैं, कई बार बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका एक विजन है, इस 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। उस श्रेणी में वो बार बार कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, तब ये विकसित भारत का सपना हमारा पूरा होगा। और मैं तो प्राउड के साथ कहता हूं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, यह बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी योजनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, काफी योजनाएं रही हैं, देखा जाए तो उज्ज्वला योजना हमारे गांव तक पहुंची है, ये योजना किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए और किसानों का सम्मान किया उन्होंने। और इतनी योजनाएं गिनाऊंगा खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो खेलो इंडिया आया था, आपने स्कीम देखी होगी, गरीब किसान मजदूर का बेटा आज हवाई जहाज से यात्रा करता है, ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देखिए मुझे, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, पॉलिटिकली भाषण मुझे तो नहीं आता, लेकिन किसान के घर में जन्म लिया है, दर्द समझता हूं किसान का, इतना ही कहना चाहूंगा। एक मुझे स्टोरी याद आ गई, जब मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम मेडल जीत रहे थे और ऐतिहासिक हमने 19 मेडल दिलाए इस देश को, 19 मेडल, तो हम खाने पे जाते थे शाम को, तो मुझे पाकिस्तानी मिल जाते थे वहां पे, तो हम पूछते थे भाई क्या रहा, तो मैंने फर्स्ट डे में कहा कि हमने एक मेडल जीत लिया है, तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या रहा, बोलो हमारा तो नहीं आया मेडल। दूसरे दिन हमने कहा, वो मिल गए मेरे को, मैंने कहा भाई आपका क्या रहा, बोलो हमारा आज भी मेडल नहीं आया, तो मैंने कहा आज हमने 2 मेडल जीते हैं। लेकिन जब मैं तीसरे दिन मिला उनसे, तो मैंने कहा आज हमने 1 दिन में 4 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में, आपने कितने जीते। तो उसने बड़ा जोर का जवाब दिया मुझे, बोला आपके पास नरेंद्र मोदी जी है, हमारे पास नहीं है, यह हमारी ताकत है। मैं ज्यादा नहीं बोल करके मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे चूरू लोकसभा के लिए काफी काम करने हैं, यह जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं तो ये कहता हूं कि इसका हमें एक अच्छा लोकसभा की तैयारी करके, अच्छी प्लान बना करके, पहला जो मेरा मुद्दा है वो किसानों का रहेगा और नहर रहेगा, चाहे वो नौर भादरा हो, चाहे मेरा चूरू लोकसभा का इधर का क्षेत्र हो, चाहे राजगढ़ हो, तारानगर हो। क्यों? क्योंकि किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं, और मैं तो साची बात बताऊं, खोए पर मटको डोड़ो मेरे तो पानी को। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, थे यकीन कौन करोगा, 2 साल मैंने खुद ने खाना बनाया था,
कोई बना सकता है क्या? बोलते एक हाथ से खाना नहीं बना सकता। परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। फसल बीमा, अरे फसल बीमा तो मैंने कोई छानू है के मैंने एक बात बताओ, जोलो चाला जी कितो ही चाहे भरेड़ो खेत हो खाली हो जाए, कितनी भी बड़ी चीज हो सगली चीजा में बेरो है। मैं तो मूंज पर खाट पर सोनी आदमी हूं। आज घर से चला तो माँ को आशीर्वाद लेके चलो, मैं कह मैं जाऊं हूं आज पर्चो दाखिल करने। ने बोली तने हमेशा आशीर्वाद दिया तू जीत के आयो है, मैं सर आज भी आशीर्वाद दू हूं तू जीत के आवेगो। लेकिन कई बार बड़ी दोस्तों विकट परिस्थितियां होती हैं। चुनाव बहुत अफवाहों का दौर है। मैं तो सीधो साधो तारो टाबर हूं, तारे बीच को हूं, सगली चीज जानू। अफवाह तो मन फैलानी को नहीं आवे। अब चुनाव में एक दिन रात में घर पहुंचो 2 बजे तो मेरी धर्मपत्नी बैठी, मैं कहा भाई इतनी लेट तक आप क्यों जग रहे हो? बोले मैंने एक बात पूछनी है। मैं कहा भाई अधिकार है पूछ, 2 पूछ, 1 क्यों ना? बोले एक ही पूछनी है, बता मो। बोलो जिद मेरा रिश्तो करे हो न, जिद मन तो यह बताई जाटा का रिश्तो करने लाग रहे आप, तो मन ने यह बता झाजड़िया जाट हो वही को नहीं? और बोल मैं तो 3 गोत और टाड़िया। तो मैं कह भाई बात ये है, रुक एक बार, अब मेरी जबान से क्या बोलू मैं? तो मैं एक किताब लेके आयो, हमारी दिल्ली से एक समाज की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उन्हें 2022 की बात है, उन्हें बुक निकाली, देश का टॉप फेमस हमारे समाज के लोग, तुम 4 नंबर पर मेरी फोटो लाग रही। मैं बोले देख ले भैया हूं को नहीं मैं जाट समाज हूं। तो मैंने तो देश के लिए खेला है, मैंने मेरी 22 साल की जिंदगी सिर्फ देश के लिए समर्पित कर दी मैंने। अरे 2003 में जो मैंने ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया तो वहां से मुझे निमंत्रण मिला कि आप इंग्लैंड से खेलो, आपको भरपूर पैसे देंगे। मैंने कहा मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, बिक नहीं सकता, मैं मेरे देश की तरफ से खेलूंगा और मेरी देश की तरफ से गोल्ड मेडल जीतूंगा। 2020 की बात है, ओलंपिक खेलों की मैं तैयारी कर रहा था और मुझे अचानक ही फोन आया भाई का कि पिताजी बीमार हैं, तुरंत घर पे आओ। दोस्तों मैं तुरंत पहुंचा घर पे, मेरे पिताजी को डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये 7 दिन जिंदा या 10 दिन जिंदा रहेंगे, इनके कैंसर है। आप देखिए जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरा फर्ज था कि उनके लिए मैं सेवा करूं। मैं उनको घर पे लेके आया, मैं पास बैठ गया, मेरे को उन्होंने बुलाया, बोल बेटा मैं तने एक बात कहूं हूं, मेरे को बताओ। बोल बेटा मैं शायद दुनिया में कौन रुई लेकिन मेरी मान तू घर छोड़ दे, ओलंपिक की तैयारी कर, मैं मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन देश के लिए मेडल जीतना जरूरी है। मैं मेरा बाप ने घर छोड़ के जाके ओलंपिक की तैयारी करी और मैं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतो, मैं वो समर्पित आदमी हूं। अरे मेरा शुरू तो इतना शानदार है, इसके लिए मैं इतना काम करूंगा, हर दर्द समझता हूं चूरू के लिए। रेल की एक बहुत बड़ी समस्या चूरू में, मन सब न बेरो है,
चाहे सुजानगढ़ ले लो, चाहे तारानगर ले लो, और चाहे सरदार शहर ले लो, मैं बिल्कुल प्लान लेके आया हूं। और रेल रेल नहीं, रेल के साथ यहां पर्यटक भी आएगा, हम देवस्थान से जोड़ेंगे इसको। हमारा सालासर धाम है, हमारा गोगामेड़ी धाम है, हमारा ददरेवा धाम, हमारे काफी धाम है, ये मेरी प्राथमिकता है। और लोग कहते हैं हर घर नल पहुंचना चाहिए, मैं तो यहां को हूं हर खूड पानी पहुंचना चाहिए, हर खूड पानी। थे देखो गो ईआरसीपी समझौतो है, वो राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया है, और पूरी राजस्थान के उसे 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा। यह सरकार दर्शाती है किसान के प्रति कितनी समर्पित है। बताइए आप, यमुना समझौता हुआ है, यहां पानी आएगा यमुना समझौता का, जहां खड़े सभा कर रहे हैं आज। और मैं तो एक बात और बताऊं थाने, काम पहली भी और तारा उनता, लेकिन थालो डाकियो थोड़ा सा कमजोर हो। मैं वादा करता हूं आपका डाकिया बनके आपके हर काम को सीधा मोदी जी के पास रख दूंगा, और वो मना नहीं करेंगे, मेरा वादा आपसे। बहुत सी बातें हैं, आप 6 घंटे से वेट कर रहे हो। मोदी जी ने तो वो काम किया है, नारी शक्ति अधिनियम ला करके उन्होंने ये जता दिया कि अब भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नारी आगे आएगी, और उनको आरक्षण देने का किसी ने काम किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी बड़ी बात है। आप 370 धारा क्या कहते थे लोग, 370 धारा यदि आप हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। 300 धारा 70 हटाई और वो कुछ नहीं हुआ। और जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो सबसे ज्यादा कोई तिरंगा फहराने वाले थे तो वो कश्मीर में थे। ये हमारी ताकत है दोस्तों। कोरोना टाइम देखा होगा आपने, कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे हम लोग। और अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार ने कहा था भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे कम घटनाएं घटी तो वो भारत में घटी, सबसे अच्छा कोई मैनेजमेंट था तो वो भारत का था, और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ। ये हमारी ताकत दिखाती है दुनिया में। मेरे देश के जवान जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसमें चूरू के लोकसभा के भी थे, तो लोग कहते हैं हमें प्रूफ चाहिए। भाई सर्जिकल स्ट्राइक की कोई वीडियोग्राफी करता है क्या? लेकिन ये लोग मानते हैं हमेशा कि प्रूफ चाहिए हमें। सामंतवाद की बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ थाने में सामंतवादी दिखूंगे? अरे मैं तो किसान को टाबर हूं। प्रधानमंत्री जी कही है कभी किसान का बच्चा है किसान की यहां बातें रखेगा वो पार्लियामेंट के अंदर। और ज्यादा परिवारवाद की बात या टिकटों की बात करते हैं तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सुनो गौर से आप। यदि ये टिकट कटी है तो टिकट 2014 में भी कटी थी, जब हमारे सांसद की टिकट कट के उनको बेटे को दी गई थी, वो टिकट कटी हुई नहीं मानी इन्होंने। बताइए आप, तो परिवारवाद को खत्म किया उन्होंने। अरे किसान का बेटा हूं, आपके बीच का हूं, आपकी बातें उठाऊंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इतनी संख्या में आए पधारे, आज मुझे हौसला मिल गया। और वो एक बात कहते हैं कि कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है, कौन कहता है हाथ की लकीरों में तकदीर होती है? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप लोग
इतनी संख्या में पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय जय हिंद। भारत माता की, सालासर बालाजी की, अंजनी माता की, डूंगर बालाजी की। देवेंद्र जी ने इस जिले के किसान के बेटे हैं, एक खिलाड़ी हैं, और यहाँ की जनता ने तो 1814 में भी चांदी के गोले बरसाए थे और 1930 में भी गढ़ के सामने तिरंगा फहराया था। तो 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीजीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया, तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिसने भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना, तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र जाजड़िया है, जो अपने मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए, और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का मान दुनिया में बढ़ाए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है, खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि चूरू लोकसभा के किसानों और यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र जाजड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएं कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार है, हम सब लोग दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र जाजड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चूरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।